जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों सामने है हमारे पंच एडवेंचर रिदम। दोस्तों पंच एडवेंचर जो है ना सेकंड बेस वेरिएंट है, अब इसमें रिदम और जुड़ गया। तो देखो एक तो आती है पंच एडवेंचर नॉर्मल और एक आती है पंच एडवेंचर रिदम, दोनों के अंदर सिर्फ 35,000 रुपए का अंतर है। 35,000 में इस वेरिएंट में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब पंच एडवेंचर से क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है वो सब देखेंगे इस वीडियो में, और क्या क्या आपको गाड़ी में मिलने वाला है और ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्यों है, तो सब कुछ इसी वीडियो में बात होने वाली है। तो देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी चाबी देख लो। देखो चाबी कुछ इस तरीके की मिलेगी, टाटा की जानी पहचानी, मतलब जो चाबी आ रही है खास तौर पे जिनमें जो है की लगा के आपको स्टार्ट करनी होती है उसमें इस तरीके की चाबी मिलती है। चाबी पे आपको फॉलो मी हेडलैम्प के बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। देखो ये मैंने एक बार प्रयोग भी कर दिया, उसके बाद देखो फिजिकल की मिल जाती है। तो ये है दोस्तों इसकी चाबी का सेटअप, और एक ही रिमोट की मिलेगी, एक नॉर्मल की मिलती है। अब सामने देखो फ्रंट तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब सबसे पहले बात करेंगे एक्सोरूम कीमत की। तो देखो भाई इस वेरियंट की एक्सोरूम कीमत है 7,35,000 रुपए, और इसके अंदर अगर इंजन की बात करें तो इंजन आपको मिलता है 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन, 86 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और पेट्रोल में माइलेज की बात करें तो भाई 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। अब देखेंगे दोस्तों फ्रंट से और क्या कुछ मिलेगा, तो चलते हैं। सबसे पहले फ्रंट में लुक दिखा दूंगा और उसके बाद अंदर इंटीरियर दिखाऊंगा और क्या क्या आपको मिलेगा, और साथ में ये भी बता दूंगा कि जो पंच एडवेंचर है ना उससे इस वेरियंट में क्या दो तीन चीजें जो एक्स्ट्रा है वो क्या एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले फ्रंट देखो, कुछ तरीके का आपको फ्रंट दिख जाएगा, इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे। यहां पर एक लैंप मिल जाती है हैलोजन लैंप, उसके बाद हैलोजन हेडलैंप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सामने फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो इस तरीके से मिलती है, ये हॉर्न की जगह जो है कटी हुई है, ठीक है। नीचे की तरफ जो है रेडिएटर ग्रिल देख लो आप, कुछ इस तरह की पैटर्न में मिलेगी, पूरी मैट फिनिश के अंदर मिलती है, मैट ब्लैक फिनिश। इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। और अब साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो इसमें सबसे पहले तो व्हील साइज देख लो, इसके अंदर 185/70 R15 की प्रोफाइल मिल जाती है, और यहां पर अपोलो का व्हील मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और स्टील रिम देखने के लिए मिलेंगे, ग्लॉस कलर के, मतलब ग्लॉस ब्लैक कलर के जो है ना व्हील कैप इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। उसके बाद यहां देख लो भाई ORBM की बात करूं तो ORBM कुछ इस तरीके से मिल जाता है, ये देखो बॉडी कलर के अंदर मिलने वाला है ORBM, और इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिकली ऑटो फोल्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एडजस्टेबल है। यहां पर बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है, और थोड़ा सा यहां पीछे की तरफ आ जाए तो ये देखो भाई डोर हैंडल्स आपको यहां से अल्ट्रोज की तरह खोलने हैं, और यहां पर ये है कुछ इस तरीके से इसकी टेल लाइट भाई। अब देखते हैं देखो पीछे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो देखो इस वेरिएंट में कैमरा आपको एक्स्ट्रा मिल गया भाई, पंच एडवेंचर में नहीं मिलता है लेकिन एडवेंचर रिदम में मिल जाएगा कैमरा एक्स्ट्रा। उसके बाद पीछे देखो सेफ्टी बैच, दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, पंच की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ न डिफोगर मिलेगा न रियर वाइपर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप ऐसी मिलेगी, और एंटीना आपको बड़ा वाला मिलता है। तो ये है दोस्तों इसके पीछे का सेटअप, यहां पर पंच की आपको ब्रांडिंग दिख रही होगी भाई। यहां पर बूट ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहले बूट साइज बता देता हूं। पहले तो पार्सल ट्रे देख लो, ये है कुछ इस तरीके की पार्सल ट्रे, और इस गाड़ी के अंदर जो है ना बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 60/40 का ऑप्शन नहीं मिलता। अच्छी खासी फैब्रिक लगा रखी है, और 366 लीटर भैया बूट कैपेसिटी है इसकी। स्पेयर व्हील की बात करूं तो देखो सेम साइज का आपको वही अपोलो का स्पेयर व्हील आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, कोई कटौती नहीं, एग्जैक्ट साइज आपको दिया गया है। टेलगेट पे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है, फैब्रिक वगैरह सब अच्छे से लगा रखा है। इसे कर देते हैं बंद, और अब आ जाते हैं दोस्तों इस तरफ। तो देखो फ्यूल टैंक की बात करूं, 37 लीटर कैपेसिटी, मतलब 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। अब चलेंगे दोस्तों गाड़ी के अंदर और देखेंगे अंदर की तरफ और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब शुरुआत करेंगे दोस्तों इसके डोर ट्रिम से, कि सबसे पहले डोर पे क्या क्या मिलता है। तो देखो भाई डोर पे कुछ इस तरीके की, ये सब प्लास्टिक है पहली बात तो दोस्तों, ये सब प्लास्टिक है, या बजा के मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM मिल जाएंगे, डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, और यहां पर ये जो है सब कुछ प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है, कुछ भी यहां पर कुशनिंग वगैरह नहीं मिलने वाली। कलर की बात करूं तो लाइट ग्रीन सा कलर आपको ब्लैक के कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। अंदर देख लो भाई दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहां पर फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, सीटिंग में हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, और नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल बहुत शानदार दिया गया है। एक स्पेस यहां मिल जाता है, यहां पर आपको मोड चेंज करने के लिए और आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन, एसी वेंट का डिजाइन ऐसा मिल जाता है, चाबी आपको यहां से इन करनी है। तो यह है दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका कैबिन। अब अंदर बैठते हैं और फिर बात करेंगे और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। दरवाजा कर लिया है बंद, और अब यहां पर एसी को सेट करते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आ जाओ, यहां पर कुछ इस तरीके का मिल जाए
जाता है। देखो यहाँ तो आपको पूरा टैकोमीटर मिलेगा, यहाँ पर टेम्परेचर नीचे तो फ्यूल गेज है, ऊपर टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ ट्रिप चेंज करनी है और बीच में स्पीडोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरीके का मिल जाएगा, सभी में ऑलमोस्ट एक जैसा ही आता है। उसके बाद यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल और इधर वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग की बात करूँ प्लास्टिक में ही मिलेगी, कोई लेदर रैप नहीं है, टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर दूसरा बदलाव यह है भाई कि एडवेंचर रिदम वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम 7 इंच वाला मिल रहा है, साथ में 4 स्पीकर मिल रहे हैं। देखो 4 स्पीकर तो उसमें भी मिलते हैं। इस इवेंट का डिजाइन यहां पर देख लो इस तरीके से, हेजार्ड बटन हो गया, यहां पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, और हाँ मैनुअली है दोस्तों, ऑटो नहीं है, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल मिलेंगे। नीचे की तरफ देख लो, ये डिफॉगर वगैरह के लिए दोस्तों एक दो बटन है। उसके बाद देखो यहाँ एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, म्यूजिक के लिए है ऑलमोस्ट ये। उसके बाद देखो यहाँ पर 12 वोल्ट का पोर्ट और एक स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। थोड़ा पीछे आ जाए तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, उसके बाद देखो एक स्पेस यहाँ मिल जाता है, 2 कप होल्डर और पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ ग्लोव बॉक्स देख लो, ग्लोव बॉक्स देखो बहुत बड़े बड़े और सफिशियंट होते हैं, कूल्ड का ऑप्शन भी आपको दे रखा है और एंटीना ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का यहाँ पर ग्लोव बॉक्स, कंपार्टमेंट भी बना रखा था। एयरबैग की बात करूं तो एक एयरबैग यहां, एक एयरबैग यहां पर, और इस वेरिएंट के अंदर 2 एयरबैग मिल जाते हैं। लेकिन सेफ्टी में भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, ABS EBD भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डोर ट्रिम्स देखें तो डोर ट्रिम्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ऊपर की तरफ देख लें तो देखो यहाँ पर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर, ये लाइट मिल जाती है, यहाँ माइक ऐसा, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाएगा। और इस तरफ देखें तो टिकट होल्डर मिल जाता है भाई ड्राइवर साइड में सनसेट के अंदर, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट कैबिन का सेटअप, सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर दिखा दी। अब आपको बताना है कि यहाँ पर और हाँ आपको ये बताना है कि ये आपको गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। अब चलते हैं रियर सीट पे और रियर सीट पे देखेंगे और क्या कुछ मिलता है। तो करते हैं भैया ऊपर से ओपन यहाँ पर, और यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल्स इस तरीके से मिल जाते हैं, नीचे बॉटल होल्डर मिल जाता है, ठीक है, स्पीकर मिल जाता है, 4 स्पीकर बता दिए, 4 दरवाजों मिलेंगे, नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, 2 पॉइंट ही मिलती है शायद, हाँ 2 पॉइंट ही मिलेगी दोस्तों इसमें। और अंदर बैठ के बात करें तो देखो लेग रूम ठीक ठाक है दोस्तों, डिसेंट सा है। और उसके बाद देखो यहाँ पर 2 पॉइंट सीट बेल्ट है, ये डोर ट्रिम्स आप देख लो। उसके बाद एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ठाक दे रखा है। और यहाँ से देखें तो ये देखो भाई आगे का डैशबोर्ड देख लो एक बार, ये देख लो दोबारा से, यहाँ पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है पीछे से डैशबोर्ड, देखने पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है, मतलब सोवर है, ऐसा नहीं है कि कुछ अंटसंट और ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड कर रखी हों, ज़्यादा इसे मतलब हाईटेक ही बनाया गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब फिजिकल बटन मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। बाहर आ जाते हैं, अब देखेंगे इसके इंजन में बोनट के नीचे आपको कैसा मिलेगा इसका इंजन का प्लेसमेंट। तो देखो इंजन कहाँ से ओपन करना है, पहले तो इसे चाबी को करता हूँ, गाड़ी को करता हूँ बंद, और उसके बाद देखो ये बटन, इसे खींचना है ऐसे और बोनट ओपन हो जाएगा। अब आते हैं तो बोनट को दिखाता हूँ उठा के, ओके तो ये है दोस्तों इसका बोनट कुछ इस तरीके का। तो भाई देखो बोनट ओपन हो चुका है, इंसुलेशन सीट वगैरह प्रॉपर लगी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर ये है भाई 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन इंजन, इस तरीके से सेटअप मिलेगा, वॉशर वगैरह वहाँ फिल करना है। ये बैटरी हो गई यहाँ पर, इंसुलेशन सीट अंदर भी आपको लगी हुई दिख जाएगी, ठीक ठाक सेटअप दे रखा है। देखो बोनेट में वजन भी सही है, यहाँ देखो इंसुलेशन सीट वगैरह, नीचे की तरफ थोड़ा सा कम कवर है तो वहाँ से थोड़ा सा आने जाने की दिक्कत है। अब देखो पीछे आता हूँ और बात करता हूँ इस वीडियो के बारे में। तो देखो दोस्तों ये था एडवेंचर रिदम वेरियंट, मतलब सेकेंड बेस वेरियंट तो था लेकिन उसमें रिदम और ऐड हो गया। रिदम ऐड हो गया क्या क्या ऐड हो गया, देखो एक तो कैमरा हो गया और एक इसमें म्यूजिक सिस्टम ऐड हो गया, 7 इंच वाली स्क्रीन, बस इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं है। बाकी सब कुछ आपको जो है ना एडवेंचर मतलब एडवेंचर वेरिएंट वाला ही देखने के लिए मिल रहा है, बस 35,000 रुपये इस चीज़ के एक्स्ट्रा हैं। बाकी आप चाहो तो एडवेंचर वेरिएंट में भी जा सकते हो और म्यूजिक सिस्टम 35,000 रुपये में बाहर से कैमरा और म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी और वीडियो में।